सात चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। इन सात चीज़ों को अपना कर आप अपना कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हद तक कंट्रोल में ला सकते हैं। इवन जिनका ब्लड शुगर लेवल बड़ा होता है वो भी इन चीज़ों को अपना सकते हैं। नॉर्मल हेल्दी पर्सन भी इसे अपना कर प्रिवेंट कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। नंबर वन है जेल फॉर्मिंग फाइबर। फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ये हम सभी को पता है, लेकिन उसमें जेल फॉर्मिंग फाइबर होना चाहिए। ये जेल फॉर्मिंग फाइबर हमें कहाँ से मिलेगा? नंबर वन, ओट्स। ओट्स में बीटा ग्लूकान नामक जो कंपोनेंट होता है वो जेल फॉर्म करने में सक्षम होता है, और यही मोस्ट इफ़ेक्टिव तरीका है। यदि आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है तो आप डेली रोज़ाना आप ओट्स खाना स्टार्ट कर दें। ओट्स में जो फाइबर प्रेजेंट होता है, दोनों ही फाइबर इसमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो मोस्टली हमें चाहिए बीटा ग्लूकान जो कि जेल फॉर्मिंग फाइबर उसमें होता है, वही जो कोलेस्ट्रॉल को ट्रैप करके इसकी एंट्री प्रिवेंट कर देता है, बॉडी से एक्सक्रीट करने में सक्षम होता है। अब यदि हम जेल फॉर्मिंग फाइबर ना खाकर यदि हम सिंपल वाला इंसोल्युबल टाइप का फाइबर यदि हम खाते हैं, या कई बार मार्केट में सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं फाइबर के जिसमें बेसिकली इंसोल्युबल टाइप का ही फाइबर प्रेजेंट होता है, या हम कई बार दलिया खाते हैं या दलिया है या कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें कि इंसोल्युबल फाइबर प्रेजेंट हो, ये मोस्ट इफेक्टिव होता है कॉन्स्टिपेशन के लिए, लेकिन जीरो इफेक्टिव होता है कोलेस्ट्रॉल के लिए। तो याद रखिए हमें फाइबर वही लेना है जो कि जेल फॉर्मिंग करे। उसमें अलसी, ओट्स, साइलियम और दूसरा है बीन्स, तरह तरह की बीन्स, ये कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करेगा, ना ही ये फर्मेंट होता है और ना ही ये जो है कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करता है, ट्रैप करने में सक्षम होता है। ये सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में हेल्पफुल होता है। अब जो दलिया में फाइबर प्रेजेंट होता है या व्हीट ब्रैन में फाइबर प्रेजेंट होता है या इस तरह का फाइबर जो डिजॉल्व नहीं होता है वाटर में या जिसे इनसोल्युबल टाइप ऑफ फाइबर कहते हैं, तो ये सिर्फ बल्क फॉर्म करता है और दूसरा ये पानी में डिजॉल्व नहीं होगा, सो जेल तो फॉर्म होगा ही नहीं, और नेक्स्ट ये क्या करता है बल्किनेस देता है स्टूल को, और दूसरा जो मटेरियल हम खाते जो फूड हम खाते हैं जो जिसे हम एक तरह का मटेरियल ही कहेंगे उसे मूवमेंट बढ़ाता है, मटेरियल की मूवमेंट इंक्रीज कराता है, फर्मेंटेशन रोकता है। तो ये बहुत बेहतरीन होता है जिन लोगों के लिए उन लोगों के लिए जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन के लिए या अदर इसके हेल्थ बेनिफिट होते हैं। लेकिन कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े हैं तो आपको इस पर फोकस करना है। याद रखिए जेल फॉर्मिंग फाइबर ही लेना है जिसमें कि कैरेट्स है, पीज है, या मटर के दाने होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है, या स्पेशली ओट्स में प्रेजेंट होता है। तो आप इस तरह का फाइबर ही अपने खान पान में शामिल करके रोज़ाना 3 ग्राम या 5 ग्राम भी आप इसका सेवन करते हैं जो जेल फॉर्मिंग फाइबर होता है, ये लगातार खाने से 3 महीने में आप 10% कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। मोस्ट इफ़ेक्टिव तरीका है इनटेक ऑफ प्लांट स्टैनोल्स और स्टेरॉल्स। ये ऐसे फाइटो न्यूट्रिएंट है, फाइटो केमिकल्स है जो नेचुरली कुछ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब ये स्टैनोल क्या होते हैं कि ये जस्ट इनका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरली ये कोलेस्ट्रॉल से सिमिलरिटी दिखाते हैं, तो स्टेरॉल्स भी कहा जाता है और नेचुरली प्लांट में प्रेजेंट होता है, या इवन इसकी सप्लीमेंट्स भी मिलती हैं तो आप इसका सप्लीमेंट्स का भी सेवन कर सकते हैं। रोज़ाना 2 ग्राम तक आप प्लांट स्टेरॉल्स का इंटेक कर सकते हैं, या कुछ प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है नेचुरली। किस प्लांट में प्रेजेंट होता है वो यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ। तो इनमें जो है प्लांट स्टेरॉल्स एक स्ट्रक्चरली सिमिलरिटी दिखाता है कोलेस्ट्रॉल से, और शरीर में जैसे ही हम इनका सेवन करना चालू कर देते हैं तो यह बॉडी को कहीं ना कहीं समझ में नहीं आता है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है और प्लांट स्टेरॉल्स, मतलब दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट होना चालू हो जाता है। एज अ रिजल्ट जो भी बॉडी में पहले से कोलेस्ट्रॉल बिल्ड हुआ है उससे ये अपने साथ बाइंड करना या एंट्री प्रिवेंट कर देता है कोलेस्ट्रॉल की। जो भी आप खाना खाओगे उसमें से जो कोलेस्ट्रॉल शरीर में आएगा उसकी एंट्री कम हो जाती है और बॉडी से एक्सक्रीट करने में हेल्पफुल होता है। प्लांट कंपोनेंट है जो कि प्लांट बेस्ड फूड में पाया जाता है, टिपिकली लेगम्स है या कई तरह के जो होते हैं, सनफ्लावर सीड्स है, सिसमे सीड्स है, पम्पकिन सीड्स है, इसमें प्रेजेंट होता है, बादाम है, अखरोट है। किन किन चीज़ों में कितने अमाउंट में प्लांट स्टेनॉल्स प्रेजेंट है उसके लिए मैं यहाँ वीडियो पिन कर रही हूँ, आप ज़रूर देखें और प्लांट स्टेनॉल्स को अपने डाइट में ज़रूर ऐड करें। यदि आपको इसकी सप्लीमेंट्स मिलती हैं, खान पान से आप पूर्तता नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसकी सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। टी पे है माचा टी।
माचा टी वही ग्रीन टी है लेकिन मेथड ऑफ मेकिंग डिफरेंट हो। माचा टी भी पावरफुल इंग्रेडिएंट होता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, वेट रिड्यूसिंग कम करने के लिए, कैंसर प्रिवेंट करने के लिए, साथ ही ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखने के लिए। आप है इसका क्विक रिकैप मैं दे देती हूँ। दरअसल जिस तरह से आपकी ग्रीन टी जिस पत्तों से बनी है उसी पत्तों से माचा टी बनी होती है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट हाई होते हैं और ज़्यादा बेनिफिशियल यदि हम बात करें तो माचा टी ज़्यादा इफेक्टिव होती है दैन दी ग्रीन टी। क्योंकि ग्रीन टी जो होती है हॉट इन्वायरमेंट में बनाया जाता है, माचा टी वेराज इसके पत्ते काफ़ी दिनों तक शेड में सुखाए जाते हैं और बिना इसे हॉट इन्वायरमेंट में एक्सपोज किए इसे वही शेडो में ड्राई करके ही इसके ग्राइंड करके इसका पाउडर बना दिया जाता है और इसके न्यूट्रिएंट इसी वजह से जो है रिटेन रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। दांदी के लिए माचा टी पाउडर फॉर्म में आती है तो आप इसे हल्का गुनगुना पानी में या जिस तरह से आप चाय पीना प्रेफर करते हैं ग्रीन टी के उसी तरह से भी आप ये जो है ले सकते हैं, लेकिन आप इसे नॉर्मल वाटर में भी ले सकते हैं या कई लोग जो है कि हॉट चीज़ों से उन्हें थोड़ी एलर्जी होती है तो आप इसे कोल्ड पानी में डालकर या कोल्ड माचा लाटे भी बना सकते हैं। माचा टी मैं हाईली रिकमेंड करूँगी जिससे कि आपका काफ़ी हद तक कोलेस्ट्रॉल नेचुरली कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इवन दैट ये आपको कैंसर से भी प्रिवेंट करेगी और ब्लड शुगर लेवल को भी नॉर्मलाइज करने में हेल्पफुल। नंबर 4 पे आता है नायासिन यानी कि विटामिन बी थ्री इनफ अमाउंट में यदि हम लेते हैं तो इसका ओवरऑल पूरे बॉडी को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये HDL लेवल को बूस्ट करती है, साथ ही ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करेगी और LDL कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में नेचुरली इसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन ये तभी होगा जब आप इसे लार्ज डोसेज में लेते हैं। नेचुरली आपको काफ़ी चीज़ों में मिल जाता है जैसे कि एग्स होते हैं या सनफ्लावर सीड्स है, सिसमे सीड्स है, पम्पकिन सीड्स है या एनिमल फूड्स में भी ये प्रेजेंट होता है। 3 मंथ आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल 20% कम कर सकते हैं नायसिन का इंटेक कर। जब हम इसे हायर डोजेज में ही लेंगे तो ही आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होते दिखेंगे, अदरवाइज जो है इतना ज़्यादा ये इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन ओवरऑल ये हार्ट प्रोटेक्टिव विटामिन हम इसे कहेंगे और काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल ये हमारा HDL भी बूस्ट कराता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करता है और LDL को कंट्रोल में रखता है। तो आपने नायसिन का फूड इंटेक भी करना है और साथ में आप इसका सप्लीमेंट्स लेते तो ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है आपको जब कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना है। तो 3000 mg तक आप जा सकते हैं, लेकिन जब आप ज़्यादा जल्दी हाई डोजेस पे जाओगे तो उसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। तो ग्रेजुअली अप टू योर टॉलरेंस लेवल आप इसका सप्लीमेंट्स ले सकते हैं और जिनको भी डायबिटीज है थोड़ा सा संभल कर आप इस चीज़ का सेवन करें। हायर डोजेस की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि 3000 mg की तक आप यदि इसका डोज लेते हो तो आपका ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो सकता है, आपके ब्लड शुगर फ्लक्चुएट हो सकते हैं। सो आप इसका सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर ले। तो नायसिन की सप्लीमेंट आपके डाइट में होना चाहिए या नायसिन रिच फूड का सेवन आप ज़्यादा से ज़्यादा करने से आपको 60% या 20% आपका कोलेस्ट्रॉल विद इन अ 6 मंथ आपका। नंबर 5 पे आता है आपका गार्लिक यानी कि लहसुन। लहसुन की कलियां भी खाने से जो है आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रख सकते हैं या कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। इसमें जो कंपोनेंट होते हैं एलिसिन यही हेल्पफुल होता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। तो रोज़ाना आप 4 कलियां या 20 ग्राम यदि आप गार्लिक का सेवन करते हैं विथ लेमन जूस, मतलब आपको लेना कैसे है ये इम्पॉर्टेंट होता है। जो गार्लिक होता है उसे आपको थोड़ा क्रश करना है या थोड़ा सा इसे कूट कर जो उसका ऑयल निकलेगा वही जिसे हम एलिसिन कहते हैं ये निकलना इम्पॉर्टेंट होता है। तो जब उसको जब हम बारीक करेंगे या कूट करेंगे तो एलिसिन उसमें रिलीज होगा, वही हमें चाहिए। वो हम लेमन जूस में यदि 1 चम्मच यदि हम लेमन रस में या संतरे के जूस में डालकर यदि हम लेते हैं तो ये मोस्ट इफ़ेक्टिव तरीका होता है लहसुन का जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए हेल्प। याद रखिए जब आप प्रिवेंटिव मेज़र में जाते हैं तो आप सिर्फ खाने में लहसुन डालकर जो है अपना प्रिवेंट कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना, लेकिन यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो आपने अलग से एज अ मेडिसिन करके आपने लहसुन का सेवन अलग से करना है। मतलब मॉर्निंग को यदि आपको फर्स्ट थिंग करना है तो आप जो लहसुन होता है उसको कूट कर जो उसमें ऑयल रिलीज होगा वो आपने 1 चम्मच ऑरेंज जूस या लेमन जूस के साथ में मिक्स करके खाली पेट इसका सेवन अलग से करना है या इसका डोज आप बढ़ा भी सकते हैं। आता है सोया।
जी हाँ, सोयाबीन भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में हेल्पफुल होता है। इसमें जो आइसोफ्लेविन्स प्रेजेंट होता है, दरअसल यही इम्पोर्टेंट होता है हमारा कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने के लिए। जापानीज़ लोगों की एक स्पेशल डिश है जिसे नाटो कहा जाता है। तो ये नाटो जो होता है, एक्चुअली ये फर्मेंटेड सोया होता है। तो इसका सेवन करके वो काफ़ी हद तक अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में लाते हैं। तो यदि आपको सोया को खाना है तो याद रखे, इसे हमेशा प्रोसेस करके ही खाए। कई बार सोया का कंजप्शन करना है, इसलिए कई लोग जो है इसे आटे के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजलेस होता है। जब सोया में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो हमेशा इसे प्रोसेस करके, मतलब कि कुक करके ही हमें इसे लेना है। जैसे कि हम इसे रोस्ट कर उबाल करके फिर सैलड में मिक्स करके खा सकते हैं, या सबसे बेहतरीन तरीका है आप इसे फर्मेंट करके यदि खाते हैं, फर्मेंट फॉर्म पे यदि खाते हैं, तो इसमें जो एंजाइम्स बनते हैं नाटोकाइनेज, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन वर्क करता है। एक तरह का सप्लीमेंट का काम करता है, मेडिसिन का काम करता है आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए। तो याद रखें, सोया को खाना है लेकिन उसे हमेशा अच्छी तरह से पका कर या फर्मेंट कर यदि हम खाते हैं तो ही हमें रिजल्ट मिल सकता है, अन्यथा ये सोया का आटा खाकर हम हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम नहीं कर। नंबर 7 है, रोज़ाना 1 एप्पल खाकर आप अपना कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस कर सकते हैं। एप्पल में जो पेक्टिन नामक एक सोलूबल तरह का फाइबर प्रेजेंट होता है, दरअसल ये जेल फॉर्मिंग फाइबर ही होता है। तो आप रोज़ाना एप्पल खाकर भी आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में ला सकते। नेक्स्ट नंबर 7 है, मेथी दाना यानी कि फेनुग्रिक सीड्स। तो मेथी दाना क्या सच में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है? यस, मेथी दाना सच में कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, लेकिन लेना इसे सही तरीके से होता है। आमतौर पे हम क्या करते हैं, जो मेथी के सीड्स होते हैं, दाने होते हैं, इसे पानी में भिगोकर ऐसे ही सुबह 4-5 दाने, उससे ज़्यादा हम नहीं भिगाते, और वही पानी के साथ में हम वो पी लेते हैं। दरअसल ये मेथड गलत है, इससे आपको उतना इफ़ेक्टिव तरीके से फ़ायदा नहीं मिलेगा। यदि आपको मेथी दाना से फ़ायदा लेकर कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो आपको ये मेथड चेंज करनी होगी। जैसे मेथी को आप जो है 5 से लेकर 30 ग्राम तक भी, या एक दिन में हम 25 ग्राम तक के भी मेथी दाने का सेवन कर सकते हैं। तो ये आपके टॉलरेंस लेवल पे है कि आप कहाँ तक ले पाते हैं। याद रखें, हमेशा स्टार्टिंग हमें कम अमाउंट में लेनी है। तो आप जो है 2 ग्राम से लेकर शुरुआत करेंगे। 2 ग्राम पहले दिन हम क्या करेंगे, मेथी दाने को गर्म पानी में उबाल करके, मतलब आपको लेना है 2 ग्राम मेथी दाना और आधा ग्लास पानी, दोनों को पानी में, मेथी दाने को पानी में डालकर अच्छे से आपको उबाल लेना है जब तक कि पानी हाफ ना हो। अब उबालने के बाद में आपको क्या करना है, यही पानी जो है आपने अलग से पैन में डालकर इसे जो है ढककर रात में ओवरनाइट या 6 घंटे के लिए इसे ढककर रख देना है, और फिर इसका पानी आपको पीना है। ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड लगती है, तो आपने सिंपल क्या करना है, जो मेथी दाना होता है उसे आपने मिक्सी में थोड़ा दरदरा पीस लेना है, और 2 गिलास पानी में 1 चम्मच या उससे भी आधा आपने पाउडर जो होता है मेथी का, उसमें मिला करके अच्छे से पका लेना है, और इसे हल्का गुनगुना होते ही आपने पी लेना है। ये मेथी दाना आप जो है सुबह भी ले सकते हैं, या खाना खाने के बाद भी आप ले सकते हैं, पहले भी ले सकते हैं, या दिन में 3-4 बार आप शिफ्ट वाइज भी इसे पी सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप छाछ में मेथी दाने का पाउडर मिला सकते हैं। आपने 1 ग्लास छाछ ले लेनी है, और उसमें आधा चम्मच दरदरा पिसा हुआ जो मेथी का पाउडर है वो उसमें मिला देना है। टेस्ट को बैलेंस करने के लिए आप जो है थोड़ा सा सौंफ और अजवाइन को थोड़ा दरदरा पीस कर भी आप इसमें मिला सकते हैं, वो भी ये ड्रिंक आपके लिए सही साबित हो सकता है। तो हर खाने के साथ में आपने ये वाला ड्रिंक ज़रूर रखना है, या आप सिंपली आप इसकी चटनी बना सकते हैं, या आप इसका स्प्राउट्स की चटनी बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं। आप नहीं खाना पसंद करते, सिंपली आप जो गेहूं की रोटी बना रहे हैं या जो भी रोटी आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें ये पाउडर हल्का सा आप डाल करके वो रोटी भी आप इंजॉय कर सकते हैं। बेस्ट है आप ओट्स की रोटी यदि खाते हैं, ओट्स में थोड़ा सा आप जो ओट्स का पाउडर बना के जो रोटी खाओगे उसमें हम थोड़ा सा ये मिला दें, मेथी दाने का पाउडर, थोड़ा सा अजवाइन और सौंफ का पाउडर यदि साथ में मिला देते हैं तो टेस्ट थोड़ा बैलेंस हो जाता है। तो आप ये भी करके आप अपनी रोटी खाकर भी आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर सकते हैं।
लास्ट है ओमेगा 3, जो कि हमें बहुत इजीली अलसी में मिल जाता है, और जो फैटी फिश होते हैं, देखिए फिश में जो स्पेशली जो ऑयली फिश होती हैं, थोड़ी फैटी तरह की होती है, फैट्स जिसमें ज़्यादा होता है, जिसमें ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, उसी फिश में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। अदरवाइज जो भी जो बाकी की जिसमें ऑयल बहुत कम है या नहीं ना के बराबर दिख रहा है, फैटनेस बहुत कम है, सूखी जो मछली होते हैं उसमें आपको कभी भी ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं मिलेगा। तो बेहतर वे होता है कि आप इसके सप्लीमेंट्स प्रेफर करें, या आप अलसी भी लेते हैं तो इसका कंजप्शन आपको थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाना है, अमाउंट ज़्यादा बढ़ाते हैं, या साथ में कई भागों में जो है भांग के जो सीड्स होते हैं, बिहार साइड में स्पेशली वहाँ भांग के जो सीड्स की चटनी खाई जाती है, तो भांग जीरा जिसे कहा जाता है आई थिंक, तो आप यदि उस साइड में हैं तो आप इसकी चटनी रोज़ाना जिसमें थोड़ा सा अलसी भी डला हो खाकर जो है अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर सकते हैं। तो ये 8 सबसे बेहतरीन और मोस्ट इफ़ेक्टिव तरीका था जिससे आप बहुत जल्दी रेडीली आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर सकते हैं। तो ये 8 स्टेप जो है आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपका कोलेस्ट्रॉल 150 है, या 150 से हल्का बड़ा है, या आपके HDL लेवल बहुत कम है, 40 के नीचे हैं, या ट्राइग्लिसराइड लेवल आपका थोड़ा बड़ा है, तो भी आप इन नेचुरल तरीके से जो है आप अपना कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी यदि आपसे आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल 150 के अबो हो चुके हैं और उससे ज़्यादा हैं, तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श लेकर स्टैटिन की भी गोली स्टार्ट कर सकते हैं, और स्टैटिन के साथ में ये चीज़ें आप ले सकते हैं, सेफ़ है वो। इवन दैट यदि उन्होंने स्टैटिन आपको प्रिस्क्राइब किया है तो आप उन्हें नाइसिन की जो सप्लीमेंट होती है उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं, ओमेगा 3 की सप्लीमेंट्स भी आप उनको पूछ सकते हैं। तो कंबाइनली जब हम ये सारी चीज़ें कंबाइनली लेते हैं तो बहुत मोस्ट इफेक्टिव तरीका हो जाता है कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने के लिए। लेकिन आपको क्या नहीं करना है वो चीज़ें मैं बता देती हूँ। तो हम पहले एडवाइस देते हैं जिनका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है उनको कि सैचुरेटेड फैट कम करना है, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा डेंजरस मेरे ख्याल से जो कि बहुत जल्दी पचने वाला जो कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, जो शक्कर में प्रेजेंट होता है, जो बहुत रेडीली जो डाइजेस्ट होने वाला जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें ये प्रेजेंट होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट नथिंग बट शुगर। यदि आप सैचुरेटेड फैट तो बाद में है, लेकिन यदि आप शक्कर का सेवन कम करते हैं या मीठी चीज़ों का सेवन कम करते हैं या ऐसा कार्बोहाइड्रेट का सेवन जिसमें पोटैटोज भी आता है, लेकिन एक सीमित मात्रा में पोटैटोज ले सकते हैं, उतना डेंजर नहीं जितना कि शक्कर डेंजरस होती है। तो आपने सबसे पहले यदि कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़े भी बढ़े दिख रहे हैं तो आपने सबसे पहले क्या करना है, शक्कर को टाटा बाय बाय कर देना है। जितना आप ज़्यादा शक्कर खाओगे उतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करने के लिए आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, और इसका मेन कल्प्रिट माना जाता है, मेन कल्प्रिट पाया जाता है, तो शक्कर है, या आप बोलेंगे गुड़ लेना है, शहद लेना है, तो आप जितना हो सके मीठे से दूर रहे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है सैचुरेटेड फैट किस में होता है। जितने भी लोग घी खा रहे हैं या ऐसा फैट जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होता है उसे हम स्पेशली ज़्यादातर सैचुरेटेड फैट माना जाता है, बट बाकी चीज़ों में भी ये प्रेजेंट होता है सैचुरेटेड फैट। तो याद रखिए जो नॉर्मल टेम्परेचर पे जमी हुई चीज़ होती है उसमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है, तो हम जो कोकोनट ऑयल जो होता है जो खाने के लिए प्रेफर करते हैं वो भी उसमें भी सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, या कहें घी में भी सैचुरेटेड फैट की मात्रा होती है। जब आप नॉर्मल है, हेल्दी हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल पैरामीटर, लिपिड पैरामीटर सारे के नॉर्मल आते हैं, तब घी खाने में कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा है तो ये टाइम है कि आपने घी स्टॉप कर देना है, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा होता है। उसमें भी मेथड ऑफ मेकिंग, घी कौन से मेथड से बना है, जैसे 99% लोग क्या करते हैं, जो मलाई होती है उसी दूध के ऊपर की जो मलाई होती है जिसमें कि 99% फैट होता है उसी के द्वारा घी बनाते हैं, और दूसरा मेथड होता है जो दही जमा कर दही के ऊपर में जो मलाई जम रही है उसका घी बनाते हैं। तो ये सेफ, थोड़ा हल्का सेफ होता है, और दूसरा जो मलाई से बना हुआ है उसमें 99% फैट ही आपको मिलेगा। ये हेल्दी पर्सन के लिए इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉल नहीं होने देता है, मतलब ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल साइज पार्टिकल्स को ये जो है सेफ रखता है। कोलेस्ट्रॉल साइज़ पार्टिकल भी मैटर करते हैं हार्ट डिसीज़ के लिए, तो इसका साइज़ वो ज़्यादा बढ़ने नहीं देता है और उसको डिफरेंसेस नहीं लाने देता है। तो जब आप नॉर्मल है तो आपके लिए प्रिवेंट करने के लिए आप इसे, मतलब ये आप खा सकते हैं, इससे आपको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जब आपके लिपिड पैरामीटर्स कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, या आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, और या आपके बॉडी में कुछ क्लॉटिंग्स पाए गए हैं, तो ये सही समय है कि आपको
घी नहीं खाना है, अंडे का पीला भाग नहीं खाना है यदि मेरे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े हैं। तो देखिए ये जो अंडे का पीला भाग होता है उसमें आपको कई तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं अलॉन्ग विथ कोलेस्ट्रॉल। एक अंडे के पीले भाग में लगभग आपको 200 mg तक कोलेस्ट्रॉल मिलता ही मिलता है। 280 mg कोलेस्ट्रॉल तो उसमें पाया जाता ही है, लेकिन इसमें साथ में आपको नायसिन मिलता है जो कि कार्डियो प्रोटेक्टिव माना जाता है, B12 मिलता है, साथ ही इसमें कई तरह के वाइटामिन, फैट सोलबल वाइटामिन इसमें प्रेजेंट होते हैं, और मतलब न्यूट्रिएंट का पावर पैक हम इसे कहेंगे। तो हमें चाहिए कि हम वीकली 2 अंडे का पीला भाग खा सकते हैं। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 150 के अंदर में आ रहा है LDL का, तो आप वीकली 2 अंडा या प्रेफर करें 1 एग पर वीक आप खा सकते हैं विद एग येलो। अब बाकी दिन आप अंडा खा सकते हैं, लेकिन अंडे का सफ़ेद भाग, क्योंकि इसमें क्या है मेजरली प्रोटीन होता है। तो हमें प्रोटीन क्यों रखना है इसका भी रीज़न है। जो भी हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं, जो भी जिससे कि हमें कार्ब मिलता है, अल्टीमेटली यदि हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन ज़्यादा करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है बॉडी को, ओनली 45 या 50% ही कार्बोहाइड्रेट की सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले लोगों को ज़रूरत होती है, तो यदि हम इससे ज़्यादा हाइयर साइड में जाते हैं तो ये डिपॉजिट होता है फैट के रूप में। एक्सेस वाला जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो फैट में बदल जाता है, शरीर में एडिपोज टिश्यू बन जाता है। और जब हम प्रोटीन का सेवन करते हैं तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में ही शरीर को कैलोरीज लगती हैं अल्टीमेटली, और प्रोटीन कभी भी फैट में डिपॉजिट नहीं होता। यदि आप प्रोटीन का हायर सेवन करते हैं तो आपकी मसल्स बिल्ड होते हैं, मसल्स बनते हैं और फैट सेल्स जो है कम होना चालू हो जाते हैं। जितना मसल्स ज़्यादा रहेगा उतना बॉडी आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करती है, इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए मसल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जितना प्रोटीन इंटेक ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा मसल्स डेवलपमेंट के लिए फायदा। जो कैलोरीज हम कार्ब्स से ले रहे थे वो थोड़ी कम करके हम उसमें एक्स्ट्रा यदि प्रोटीन डाल देते हैं तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है वेट मैनेजमेंट करना है, या इवन नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए भी प्रोटीन ज़रूरी है। तो प्रोटीन में यदि 1 white आप डेली लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़े होने से कोई इसका रिलेशन नहीं है, हार्ट अटैक आपको आया है कोई इसका रिलेशन नहीं है, शुगर आपको है कोई इसका रिलेशन नहीं है। 1 white आप ले सकते हैं, लेकिन दिक्कत है 1 yellow से। आप वीकली 1 yellow मैं रिकमेंड करूँगी। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भले ही बढ़ा हो हल्का सा, बट फिर भी ये न्यूट्रिएंट जो होते हैं जो 1 yellow में प्रेजेंट है ये आपको न्यूट्रिशन देता है। मतलब कुछ ऐसे विटामिन उसमें प्रेजेंट होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए मददगार साबित। कल वर्कआउट से हम कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं, ओनली 10-15% हम कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस कर सकते हैं बाय डूइंग एक्सरसाइज। मतलब हमें यदि ओवरऑल जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करना है तो इन सारे जो 8 ways होते हैं वो फॉलो करके, प्लस यदि आप उसमें एक्सरसाइज जोड़ देते हैं तो ये बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से आप कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज में आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग रनिंग बहुत बेहतरीन है, लेकिन साथ में यदि आप कंपाउंड लिफ्टिंग जो एक्सरसाइज का टाइप होता है जिसमें कि स्क्वैट किए जाते हैं या पुलअप्स किए जाते हैं या सिंपली आपको डंबल्स लेना है, या आपके घर में डंबल्स भी नहीं है आप कुछ वज़न रख कर जो है आप उसके रिपीटेशंस करते हैं, कितना वज़न ले रहे हैं वो मैटर नहीं करता लेकिन रिपीटेशन बहुत मैटर करते हैं। तो रिपीटेशन करने वाले जो वर्कआउट होती हैं जिसमें आप कुछ वेट लिफ्ट कर रहे हैं, कंपाउंड लिफ्टिंग हम जिसे कहते हैं, या सिंपली आप पुशअप्स करते हैं जैसे कि रेजिस्टेंस वर्कआउट करते हैं, तो आप सप्ताह में 1 दिन इन चीज़ों का भी समावेश रखें अपने वर्कआउट प्लान में। बाकी दिन 3-4 दिन तक आप रनिंग है, वॉकिंग है, आप ब्रिक्स वॉकिंग जो बेहतरीन माना जाता है हार्ट के लिए, तो ये सब करके जो है अपना कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन आपको बहुत ज़रूरी है कि आप कंपाउंड लिफ्टिंग ज़रूर ऐड करें, डेडलिफ्ट होता है या स्क्वैटिंग होती है, पुलअप्स होते हैं, पुशअप्स होते हैं, इस तरह की एक्टिविटी करने से भी हम काफ़ी हद तक कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। इससे क्या होता है मेजरली बहुत ज़्यादा एनर्जी बर्न होती है और बॉडी का बैलेंसिंग भी हमें करना होता है उस बीच, तो इससे क्या है कि मसल्स बिल्डअप होते हैं, कैलोरीज बहुत कम होती हैं, तो जो पहले से बिल्ड है कोलेस्ट्रॉल बॉडी में, फैटी टिश्यूज बिल्ड है, वो कम होने में जो है कम समय में काफ़ी अच्छे से हम इसे कम कर सकते हैं, अल्टीमेटली आप कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं। तो इस तरह का जो है वर्कआउट याद रखें, ब्रिक्स वॉकिंग या रनिंग या सिंपल वॉकिंग आप कर सकते हैं, कुछ ना करने से बेहतर है आप सिंपल वॉकिंग करें। यदि आपको किसी भी तरह की वर्कआउट करने की आदत नहीं है तो सिंपल वॉकिंग से स्टार्ट करें, फिर ब्रिक्स वॉकिंग करें, फिर सप्ताह में 1 दिन आपने कंपाउंड लिफ्टिंग करनी है, पुलअप्स मारने हैं या डेडलिफ्ट करना है या सिंपल आप चेयर
पे हाथ रख कर जो है अपनी बॉडी को अप एंड डाउन ऐसे बैठ कर जो है कर सकते हैं। इससे भी बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से जो है आप अपना कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करने के लिए और साथ ही रिड्यूस करने के लिए और बढ़ने से रोकने के लिए। इसी तरह की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें।